रहे मोहिनो हे विश्व विश्व के सागर लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर पियो फूल भर भर और सागरी जो बोला बे मेरी और मेरे का जो
पास
जय। सतगुरु महाराज की जय। रुधिर रुहे त्रिगुण त्रिलोके बैठा था करके अंधार, अब प्रकटी ज्योत तले लागी आकाशों, उड़ाए दियो सो ज्योथो दुसार, उड़ाए दियो ज्योथो दुसार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, युद्ध दारुण अति जोर हुआ प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहने भाइयों, मंगल बेला, मंगल चर्चा, मंगल ज्ञान, मंगल उपदेश, मंगल शिक्षा, मंगल दीक्षा, ये जीवन में अति अनिवार्य कार्य है कि हमारा जीवन सदा मंगल बने, सदा शुभ बने, सदा सत्संगी बने, सदा अंतर प्रकाशित रहे। इसके लिए चर्चा सुनना, वाणी से जुड़े रहना, ज्ञान गंगा में गोते लगाते रहना, ये जरूरी है, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या कहते हैं। कोई भी विद्या का अभ्यास चलता रहे तो हम अभ्यस्त रहेंगे, हम जारी रहेंगे, लगे रहेंगे। अभ्यास हमने छोड़ दिया तो बीस के समान विद्या हो जाती है, बहुत कुछ भूल जाते हैं। फिर यही कहते मिलते हैं कि पहले तो हम इस विषय में निष्णात थे, जानकार थे, सब कुछ जानते थे, पर कहते हैं कि अब अभ्यास छूट गया, इसीलिए कुछ कंठस्थ नहीं है, कुछ याद नहीं है। अभ्यास जारी रहना बहुत जरूरी है। तो सदा सदा हम अभ्यस्त रहें, इसके लिए करें क्या करें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, सुनते रहें, चर्चा करते रहें, इसी में समय थोड़ा हम अर्पित करते रहें। सारा समय तो नहीं लगाना है, दिन भर तो हम लोग खाएंगे पिएंगे, व्यापार बिजनेस करेंगे, अपना अपना धंधा व्यवसाय जो है उसमें भी लगेंगे। एक आध घंटा सत्संग में या चर्चा में विद्या व्यसनी बन करके हम लगे रहेंगे तो सत्य से जुड़ने का, धर्म से जुड़ने का, संस्कार से जुड़ने का और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ने का मौका हमें मिलता रहेगा। तो श्री जी महाराज इस प्रकार से जोड़ने के लिए इतनी सारी वाणी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। ऐसे परमधाम की आत्माओं को परमधाम जगाना है तो एक ही चौपाई काफी है, पर वो चाहते हैं कि आप जागते रहें, जागते रहें, आज भी, कल भी, परसों भी, नित्य निरंतर आपकी जागनी हो, विस्मृति की नींद ना आ जाए, स्मृति बनी रहे, स्मरण बना रहे। इसके लिए वाणी से हमें जोड़ते हैं। तो देखिए संसार में सुर और असुर की सृष्टि तो प्रारंभ से है। आप देखते हैं ना, वो ऋषि पत्नियां हैं ना, दीति और अदिति, एक से असुरों की सृष्टि होती है, एक से सुर की सृष्टि होती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता चाहते थे कि सृष्टि में कुछ विविधताएं हो, वैरायटी कहते हैं ना आजकल, वैरायटी हो तो देखने में आनंद आता है, और एक ही चीज हो तो देखने में आनंद नहीं आता। इसीलिए सृष्टिकर्ता ने प्रकृति को आदेश दिया कि तुम वैरायटी उत्पन्न करो,
इसलिए आप देखिए चिड़ियों को देखिए, वहां भी जात जात की वैरायटी उनमें है। ऐ तो सब चिड़िया सबके पास चोंच है, पर किसी के पास नुकीले चोंच है, किसी के पास एकदम मोटे, इस तरह से आप देखिए के। और पंख को देखिए, उड़ने की कला को देखिए, कोई शाकाहारी है कोई मांसाहारी है, चिड़ियों में भी आप देखिए, पशुओं में देखिए, उनमें भी वैरायटी है, विविधताएं हैं, और उनमें भी कोई शाकाहारी है कोई मांसाहारी है। शेर इत्यादि को देखिए, कुत्ते बिल्ली को देखिए मांसाहारी है, और गाय को देखिए, मृग को देखिए, भैंस को देखिए, घोड़ों को देखिए, शाकाहारी प्राणी है। हाथी भी शाकाहारी प्राणी है, वहाँ भी वैरायटी है। समुद्र की मछलियों को देखिए, वहाँ भी विविधताएं हैं। बड़े बड़े व्हेल मछली कहते हैं ना, जहाज को भी कभी कभी हिला देते हैं, इतनी शक्ति उनमें है। और शार्क करके एक मछली है, जबरदस्त तेज मछली, डॉल्फिन करके एक मछली को नचाते हैं ना, आदमी की भाषा समझने वाली मछली आप देखिए। छोटी छोटी मछलियां भी है, और कुछ कुछ मछलियां क्या है कि बड़ी छोटी को खा जाती है, और छोटी छोटी मछलियां हैं तो कोई उद्भिज वहां पर उगे हुए उनको चाट रही है। देखिए ये सब विविधताएं सृष्टि में बनी हुई है। इसी प्रकार से बंदरों को देखिए, तो आज भी कहा जाता है कि 250 से ज्यादा जाति के बंदर तो आज भी विश्व में मिल रहे हैं। प्रभु राम के समय में उससे भी ज्यादा उनकी जातियां थी, अलग अलग तरह के बंदर, अलग अलग उनका शरीर शकल रूप रंग, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग, ये भी एक वैरायटी आप बंदरों में देख सकते हैं। और मनुष्य में आप देखते हैं तो कहते हैं ना, मनुष्य में कोकेशियन फिर ये मलेशियन कहते हैं ना, मलेशिया ये चाइना इत्यादि के होते हैं, हफ्सी कहते हैं जो अफ्रीकन जो होते हैं, और इंडियन जो होते हैं वो इंडियन ब्राउन कलर के होते हैं, अरे गोरे होते हैं कोकेशियन कहते हैं जो गोरे लोग यूरोप और अमेरिका के होते हैं, मंगोलियन जो होते हैं चाइना और मंगोलिया के, वो जड़ा नाटे कद के होते हैं, नाक में उनकी चपटी होती है, इस ढंग की आंखें छोटी छोटी, और हफ्सी है तो उनका रंग काला होता है, मोटे तगड़े होते हैं, लड़ाकू टाइप के दिखलाई देते हैं, होंठ भी मोटे मोटे, केस भी अलग ढंग के उनके। और इंडियन आप देखेंगे तो थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन आप देखिए तो थोड़ा सा रूप रंग का फर्क है, ये वैरायटी है। सृष्टि के विविधताएं हैं और इसी में आनंद है। अगर सब मनुष्य को एक जैसा बना दिया जाए तो पहचानने में भी कठिनाई होगी, पहचानेंगे कैसे। इसलिए प्रकृति ऐसा खेल करती है कि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तीन चार बच्चे आप मान लो, कोई थोड़ा सा लंबा कोई मोटा कोई पतला, चेहरे में थोड़ा फर्क, तभी तो पहचान में आते हैं, यही है वैरायटी। तो इस तरह से सुर असुर की सृष्टि। तभी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भई नहीं रे नौखंडो आरती में कौन कौन आए, तो सुर असुर दोनों आने की बातें श्री जी महाराज करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज, क्योंकि ये जो चौपाइयां चल रही है किरंदन की, ये हरिद्वार का प्रसंग चल रहा है। श्री जी महाराज महाकुंभ के मेले में हरिद्वार में उपस्थित हैं, और उनके सामने तीर्थयात्री दर्शनार्थी सब वहां पर उपस्थित हैं, और एक तरफ औरंगजेब की सेना भी वहां पर तैनात है। तो देखिए कि असुर की सृष्टि भी वहां पर है, और सेना का काम क्या है कि वहां पर किसी को भी गिरफ्तार करना, जैसे आदेश आए तो उनको गिरफ्तार करना, ये भी विचारधारा लेकर के वे वहां पर नियुक्त हैं। तो आसुरी वृत्ति हो गई मेला को भंग करना, ये इस दृष्टिकोण से वहां पर वह उपस्थित है। और एक वर्ग ऐसा आ रहा है कि गंगा स्नान करो पवित्र हो जाओ, पाप को धो, कलिमल को कलमस को धो, निर्मल बनो पवित्र बनो स्वच्छ बनो पावन बनो, ये भाव लेकर के गठरियां ले लेकर के आज भी आप देखिए
संगम तट पर जाकर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ वहां होती है। ऐसे तो महाकुंभ के मेले हमने हरिद्वार के भी देखे, उज्जैन नासिक सब जगह देखा, पर सबसे बड़ा मेला होता है संगम तट, तीर्थराज प्रयाग में सबसे बड़ा मेला होता है, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं आती है और मेला क्षेत्र अलग से घोषित कर दिया जाता है। हरिद्वार में है तो आधा मेला शहर में, आधा मेला गंगा के तट पर लगता है। ऐसे ही नासिक में भी आप देखिए, आधा मेला गोदावरी के किनारे, आधा मेला शहर के बीच में जहाँ आश्रम बने वहां पर हो रहा है। तो इसी तरह से उज्जैन में भी है कि वहाँ शिप्रा नदी है, उसके किनारे आधा मेला है, आधा मेला सब आश्रमों के बीच में भी चल रहा है। पर आप संगम तट पे देखते हैं प्रयागराज में, तो मेला क्षेत्र अलग से घोषित कर दिया जाता है, शहर से बिल्कुल अलग नया शहर बसा दिया जाता है, टेंटों का शहर, सारे वहां पर टेंट लग जाते हैं और वहां शहर बन जाता है। बिजली पानी की सारी सुविधाएं, हर प्रकार की जो जरूरत की सुविधाएं वहां पर उपस्थित कर दी जाती है। तो वहां क्या है कि लगभग 12 किलोमीटर कभी कभी 15 किलोमीटर के क्षेत्र में मेला लगता है, तो इतने तीर्थयात्री वहां पर आ रहे हैं गठरी सिर पे उठा करके, गांव से, बस्ती से, कस्बे से, छोटे छोटे स्थानों से भी, शहर शहर से, नगर नगर से भी लोग आ रहे हैं। तो आप देखिए कि सबकी एक ही इच्छा है कि गंगा में डुबकी लगाएं, पाप को धोएं, निष्पाप बने, पवित्र बने। तो ये सूर की सृष्टि हो गई, जो ऐसा सोच करके तीर्थों में आते हैं उनको सूर की सृष्टि कहना चाहिए, देव सृष्टि। और कुछ लोग वहां पर चोरी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, छिना झपटी करने के लिए या कुछ उठाने के लिए भी वहां पर आ जाते हैं, असुर की सृष्टि उनको मानना चाहिए। कहीं भी आप देखिए तो एक वर्ग तो शुरू से उपस्थित है उस महाकुंभ के मेले में, विक्रम संवत 1735 में, के यह मेला अच्छी तरह से होने नहीं देना है, क्योंकि बादशाह का आदेश है कि मेला को किसी तरह से विघ्न पहुंचाया जाए। तो इसी संदर्भ में श्री जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, युद्ध दारुण अति जोर हुआ। सुर और असुर के बीच में युद्ध चलते रहता है। अब भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में पता लगता है कि सत्य युग में भी सुर असुर की लड़ाई हुई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के साथ भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के, देखिए वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष के साथ, और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया सत्ययुग में, और भी कई युद्ध हुए, मुख्य इसको माना जाता है। तो असुर बुद्धि वालों के साथ सुर बुद्धि को लेकर के युद्ध करना और आसुरी वृत्ति को परास्त कर देना। फिर त्रेता युग आया तो प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध किया, ये भी सुर असुर की लड़ाई है और आसुरी वृत्ति को परास्त किया उन्होंने। जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण ने कंस के साथ, कंस ही नहीं और बहुत सारे असुर थे उस समय, उनके साथ श्री कृष्ण ने युद्ध करके उनको परास्त किया और असुर वृत्ति का उन्होंने क्या है कि विस्तार किया, उनकी रक्षा की, धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया। कलियुग में भी जब जब आसुरी वृत्ति बढ़ती है तो कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई अवतारी पुरुष जन्म लेते ही लेते हैं। तो इस समय भी औरंगजेब की आसुरी वृत्ति ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए श्री प्राण्ना जी महाराज उसे परास्त करने के लिए अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा उस वृत्ति को दमन करने के लिए प्राण्ना जी महाराज पधारे हुए हैं। तो कहते हैं कि आसुरी वृत्ति और ये सूर्य वृत्ति के साथ युद्ध दारुण अति जोर हुआ, ये बौद्धिक युद्ध है, ये हथियार का युद्ध नहीं है, क्योंकि प्राणीनाथ जी ने कोई हथियार धारण नहीं किया, उनके पास तो तारतम्य है। उस तारतम्य विद्या के द्वारा आसुरी वृत्ति का दमन करने के लिए उन्होंने पूरी यात्रा की, जागनी यात्रा,
जागनी यात्रा का ये मात्र अर्थ नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए इतने किलोमीटर प्राणनाथ जी महाराज चले, साथ साथ में देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आसुरी वृत्ति का दमन करने के लिए, सब में दैवी भाव उपस्थित करने के लिए, धर्म रक्षा के लिए प्राणनाथ जी महाराज पैदल चले हैं। तो कहते हैं कि मैंने उस सूर्य वृत्ति के प्रचार के लिए बड़ा युद्ध किया, पैदल चलने में संघर्ष किया, कई कई जगह लुटेरे लोग भी आए, उनके साथ भी लड़ना पड़ा। आप देखिए, जब प्राणनाथ जी महाराज रामनगर से गढ़ा की यात्रा में थे तो एक ऐसे छावनी के पास में से गुजरना हुआ सुंदर साख का, कि रात भर उधर से पत्थरबाजी, इधर से भी सुंदर साथ भी कुछ लड़ते रहे। इस प्रकार से सुंदर साथ की वहां पर रक्षा हुई, साथ में महामती प्राणनाथ जी तो थे ही, और भी कई कई जगह लुटेरे लोग आते रहे और उनको दमन करने के लिए भी बड़ा भारी वहां पर प्रयास किया गया। तो यही बात उल्लेख कर रहे हैं, युद्ध दारुण अति जोर हुआ, यही कार्य हरिद्वार में भी हुआ। तिमरा घोर झुंझार, ये जो आसुरी वृत्ति है ना, तिमर वृत्ति कहते हैं ना, अंधकार, घोर अंधकार है। और झुंझार का अर्थ होता है युद्ध करने वाले, लड़ाकू प्रवृत्ति वाले। क्योंकि आप देखिए, दुनिया में ये तामसी वृत्ति वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है ना, और परम धाम में भी आप देखिए तो सतगुणी तो 2000 ही है। सतगुणी जो सखियां हैं उनकी संख्या 2000 है, रजगुणी है तो उनकी संख्या 4000 है, और तमगुणी सखियां हैं तो उनकी संख्या है 6000। आप देखिए, देखिए तमगुण का वहां भी विस्तार है ना, ज्यादा तमगुणी सखियां हैं। पर तमगुण की, परम धाम की तमगुणी सखियां लड़ती नहीं है, प्रेम ज्यादा करती है, लीला ज्यादा करती है, हाव भाव चाल चरित्र से राज्य को रिझाती है। वो लड़ाकू नहीं है पर राज्य से संवाद जरूर करती है, ज्यादा से ज्यादा संवाद, खेल दिखाइए ऐसा करके राज्य से ज्यादा संवाद करने वाली सखियां भी तामसी सखियां हैं। और रासलीला पूर्ण होने के बाद फिर से जागनी में आने के लिए राज्य को और खेल बाकी आपने रखा है, पूरा खेल आपने नहीं दिखाया, फिर से दिखाइए ऐसे करके राज्य से संवाद फिर से तामसी सखियों ने किया है। पर ये तामसी सखियां तो क्या है कि परम धाम में तामस को भी प्रेमाधिक्य भाव माना जाता है, पर संसार में घर परिवार में कोई तामसी व्यक्ति हो तो वो तो लड़ता ही रहेगा, झगड़ता ही रहेगा, कुछ ना कुछ वो समस्या उत्पन्न करता ही रहता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ये तामसी लोग, अधार्मी लोग बड़े झुंझार हैं, बड़े लड़ाकू हैं। प्रकाशवान खाड़ा धार बुद्धे निर्मल कियो संसार, पर कहते हैं उन तामसी बुद्धियों का भी दमन करने के लिए तारतम रूपे प्रकाश से एकदम प्रकाशित, खाड़ा धार मतलब तलवार, तारतम धार तलवार विशेष है, कहते हैं ना तारतम रूपे धार से युक्त तलवार लेकर के श्री जी चल रहे हैं, ज्ञान रूपी तलवार लेकर के चल रहे हैं। तो बुद्ध जी चल रहे हैं निर्मल की ओर संसार, उससे सारे संसार को निर्मल वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, सब जगह निर्मल हो जाए, सब जगह शांति हो जाए, सब सुख से रहें, मिलजुल करके रहें, सह अस्तित्व में जीवन जिए, ये प्राणनाथ जी की हार्दिक इच्छा है। इसलिए हरिद्वार में दो तरह के वहाँ आसुरी वृत्ति वाले लोग श्री जी को मिले, एक तो मुगल सेना, उनमें तो आसुरी वृत्ति है ही है, एक हिंदू धर्म में भी कुछ ज्ञानी, कुछ पंडित, कुछ विशेष अपने आप को जानकार मानने वाले कहते हैं आओ हम शास्त्रार्थ करेंगे, वो भी एक युद्ध है, धर्म युद्ध है शास्त्रार्थ करना। तो शास्त्रार्थ में हम विजयी हो गए, तुम हारे। अब भाई भाई में लड़ाई करके एक भाई दूसरे भाई को हराए तो उसको विजयी नहीं माना जाता है, क्योंकि एक भाई दूसरे कमजोर भाई को उठाए, उसको शक्ति दे, संपत्ति दे, बल दे, किसी प्रकार से अपने भाई को खड़ा करे तो उसको सही अर्थ में भाई माना जाएगा।
अपने ही भाई को परास्त कर रहा है, अपने ही भाई को लूट रहा है, तो उसको किसी प्रकार से भी बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। तो उस समय में हिंदू धर्म में ऐसा भी चलन था कि कोई विद्वान ज्यादा संस्कृत पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन करे, तो दूसरे संतों के ऊपर प्रहार करना, दूसरे विद्वान के ऊपर प्रहार करना, तुम कम जानते हो, हम ज्यादा जानते हैं, शास्त्रों में ये लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ करके शास्त्रार्थ करना और सामने वाले को परास्त करना, कमजोर दिखाना, ऐसी आसुरी वृत्ति। ये भी एक तरह से आप देखिए तो आसुरी वृत्ति है। किसी से लड़ने की भावना जहाँ आ जाती है, चाहे बौद्धिक लड़ाई हो चाहे शस्त्र अस्त्र की लड़ाई हो, वृत्ति तो असुर की वृत्ति है ही है। इसलिए श्री जी कहते हैं उन सबको भी निर्मल करने के लिए एक ही जगह बिठा करके, एक ही जगह श्री जी ने उन सबको शिक्षा दी। पहले उनका परिचय पूछा, फिर अपना निजानंद संप्रदाय का परिचय उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से सबको निर्मल करने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए बुद्ध जी ने प्रयास किया। बुद्ध जी मतलब महामति प्राण जी ने स्वयं प्रयास किया। पढ़या पड़छंदा पाताल आकाशे धरती दम दम कार। उस महाकुंभ के मेले में क्या था कि जब लोग वहां पर अपने अपने धर्म शास्त्र से गायन किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, वेद ध्वनि का उच्चारण किया करते थे, तो उसकी प्रतिध्वनि आकाश तक चली जाती थी। जोर से वेद पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो उसकी प्रतिध्वनि आकाश तक और फिर पाताल कहते नीचे तक भी, धरती के नीचे तक भी आवाज जा रही है, आकाश में भी आवाज गूंज रही है, धरती दम दम कार और धरती में भी ये गूंज उठ रही है, पृथ्वी में भी ये आवाज, पूरी आवाज वहां पर कंपायमान हो करके सर्वत्र वो आवाज गूंज रही है। खलबुला हुआ लोक चौदे, इस तरह चौदह लोक के जो चौदह लोक की सृष्टि है वो तो सब पृथ्वी के अंतर्गत ही है, देव सृष्टि आसुरी सृष्टि सब पृथ्वी के अंतर्गत ही है। तो ये सब इस सृष्टि इकट्ठे होने से उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि चौदह लोक तक पहुंच रही है। करत कलिंगा को संहार, और सबके सब चाहते तो हैं कि कलियुगी बुद्धि का विनाश कर दिया जाए, कलियुगी बुद्धि बचे नहीं, सतयुगी बुद्धि सब में आ जाए और साक्षात बुधावतार ज्ञान के अवतार महामति प्राणना जी भी यही कार्य कर रहे हैं कि कली कलिंगा मतलब कलियुग का संहार हो जाए। घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, सृजे की इच्छा है कि घर घर में उत्सव हो जाए, घर घर में शांति हो जाए, क्योंकि मुगल काल में धर्म बचा करके रहना भी बहुत मुश्किल काम था, हमेशा भय रहता था। कोई मेला उत्सव करना है तो भी भय सताता था, क्या होगा, कैसा होगा, अच्छी तरह संपन्न होगा नहीं होगा। जैसे हरिद्वार का महाकुंभ मेला था तभी सब संप्रदाय वाले अपने अपने शिविर लगा रहे थे, परंतु सब शोक में डूबे हुए थे कि मुगल सेना तो आ चुकी है, इस बार का महाकुंभ कैसे संभव होगा, कैसे ये पूरा होगा, ऐसे करके सब लोग सोच ही रहे थे। जब महामति प्राणनाथ जी का पदार्पण हुआ अपने शिष्य मंडली को लेकर के, एक झुंड जय जयकार करते हुए निजानंदीय झंडा फहराते हुए हरिद्वार के मेले में प्रवेश करता है, तो प्राणनाथ जी महाराज का दिव्य स्वरूप, एकदम उज्जवल स्वरूप, दिव्य स्वरूप, श्वेत वस्त्र, सुंदर सात के श्वेत वस्त्र सब वहां पर प्रवेश करते हैं, तो इतना प्रभावी वातावरण हो जाता है, सबके सब सोचते हैं ओहो ऐसे ही एक दिव्य महापुरुष की हम चाह रख रहे थे, कोई इस महाकुंभ के मेले में आए, हम सबकी रक्षा करें, अब सूर्य की भांति चमकने वाले एक महापुरुष आ गए हैं और इनको हम पहले से पहचानते भी नहीं, ये अचानक यहाँ पर टपके हैं, इसका मतलब है कि कोई शक्ति ऊपर वाले ने ही हमारी रक्षा के लिए भेजा है। इसलिए ऐसी शक्ति का जब यहाँ पर आगमन हो रहा है तो हम अभय होकर के
निर्भय होकर के हम अब क्या करेंगे, इस मेले को मनाएंगे, इस उत्सव को हम संपन्न करेंगे। किसी प्रकार से हम अब डरते नहीं है, हम निडर हो गए, क्योंकि एक शक्ति हमारे साथ है, हमारी रक्षा के लिए शक्ति हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। अचानक ये शक्ति आई हुई है, इसका मतलब प्रभु परमात्मा हम पे प्रसन्न है, उन्होंने इनको भेजा है, इसलिए इनके इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे तो हम लोग बच जाएंगे और मेला भी अच्छी तरह से संपन्न हो सकेगा। ऐसा विचार लेकर के फिर क्या है, सबके सब प्राणनाथ जी महाराज के करीब हो जाते हैं। महात्मा जी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से पधारे, इसके पूर्व कभी आपके दर्शन नहीं हुए, हम तो प्रति कुंभ मेले में उपस्थित होते हैं परंतु कभी आपके दर्शन हुए ही नहीं, आप प्रथम बार यहाँ पर आए हुए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो श्री जी महाराज ने अपने सहज स्वभाव पर प्रकट करते हुए कहा कि आचार्यों, मनीषियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, महात्माओं, आप लोग अपना परिचय दीजिए ना, आप लोग तो पुराने इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, सनातन परंपरा से जुड़े हैं, संप्रदायों से आप जुड़े हुए हैं और हर कुंभ में आप लोग आते हैं, तो पहले आप अपना परिचय रखें, फिर मैं अपना परिचय आपके समक्ष रखूंगा। उन सब का मान सम्मान रखते हुए श्री जी ने उनसे परिचय पूछा, जो हम पिता में हर वर्ष सुनते ही हैं और इस बार भी अब थोड़े दिनों के बाद 25 जुलाई से तो पिता कथा शुरू हो ही जाएगी और प्रणामी परंपरा में हर बार पिता सुनने की इच्छा होती है, कोई तृप्त नहीं होता है। 11 महीने के बाद फिर भी तक आती है तो फिर भी तक सुनने के लिए सबके सब तत्पर हो जाते हैं, वही उत्सुकता, वही जोश, वही उमंगा, और कथाकार भी बदल बदल करके बुलाया जाता है कि इस बार का कथाकार कैसे प्रस्तुति देता है। जानते तो सब वितक को है ही, वितक सबको कंठस्थ है, पर कथाकार की प्रस्तुति कैसी रहेगी, वो गहराई वाली बात को कैसे खोलेगा, सरल कैसे बनाएगा, सुगम कैसे बनाएगा, सुंदर कैसे बनाएगा, सुनने के लिए रोचक कैसे बनाएगा, ये सब क्या है, सबके मन में जिज्ञासा बनी रहती है 1 महीना भी तक श्रवण करने के लिए। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे कथाकार लाइव भी कर देते हैं तो घर बैठे सुनने का मौका भी मिल जाता है। कम से कम पिछले वर्ष मैंने देखा 25-30 लोगों ने लाइव किया, हमने भी किया था, क्योंकि हमारे प्रणामी मीडिया के हमारे जितने भी हमारे भाई हैं वो सब तत्पर रहते हैं लाइव करने के लिए। तो देखिए ये सब सुनने का मौका मिलता है तो सुनी हुई बात फिर सुनने में और आनंद क्यों आता है, क्योंकि हमारे धनी की, धाम धनी की, हमारे स्वामी जी की, हमारे सदगुरु की जीवन कहानी है, जीवन चरित्र है, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या दिया, क्या क्या आज भी हमें ग्रहण करना है। वे इतने महान थे तो हम उनके बताए पदचिन्हों पे कहाँ तक चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, ये सब बातें हम अभी तक में सुनते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हरिद्वार में जो कुछ भी वहाँ पर बताया, उपदेश दिया, अभी तक में 2-3 दिन का प्रसंग चलता है, हरिद्वार का प्रसंग, फिर दिल्ली का प्रसंग चलता है और कठिन प्रसंग है। तो श्री जी महाराज चाहते हैं कि घर घर उत्सव बाजे, रस बाजे, हिंदुस्तान भारत ऐसा बन जाए, भारत ही नहीं विश्व ऐसा बन जाए कि विश्व के हर घर में उत्सव हो, भय न हो, अभय बन करके लोग घर में ही उत्सव करते रहें। बाजे रस बाजे, अनेक तरह के बाजे बजे और रस उत्पन्न हो, बाजे के बजने में रस उत्पन्न हो। जैसे हम लोग भजन गाते हैं, वाणी गाते हैं, आज मेहर सागर आप लोगों ने गाया, क्योंकि कई जगह मेहर सागर बिना बाजे के गाते हैं ना, कई जगह बाजा बजा करके भी गाते हैं, तो एक रस उसमें एक जोश आ जाए, भावना उत्पन्न हो। श्री जी यही चाहते हैं, घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, चौहटे चौबटे थई थई कार। फिर कहते हैं कि ऐसा आनंद उत्सव हो कि चौक में चौराहे में,
चौराहो चाहे चौक हो, सब में ये भक्ति की नाद, भक्ति की आवाज सब जगह गूंजे, सब धर्म की बात करें, अध्यात्म में सब डूबे रहे, प्रेम रस में सारे के सारे डूबे रहे, और थई थई कार मतलब नाचते हैं तो धरती से जो आवाज आती है ना उसको संगीत की भाषा में थई थई कार कहते हैं, ऐसे आनंद उत्सव बन जाए और आनंद की ध्वनि सर्वत्र गूंजे। पशु पंखी साधु कोई न दुखी, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवे। कितना अच्छा आशीर्वाद का श्लोक है ना, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे और सबकी दृष्टि शुभ हो, किसी के जीवन में दुख की घड़ी आए ही ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यही कहते हैं, पशु भी शांति से चरे, पक्षी भी जो है आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी शांति से चुगे, साधु भी शांति पूर्वक स्नान करें, परिभ्रमण करें, इधर उधर जाएं आए, उपदेश दें, निर्भय होकर के साधु संत भी कोई न दुखी, क्योंकि उस काल में पशु पंक्षी ये भी दुखी थे क्योंकि इनकी भी हत्याएं की जाती थी, और साधु लोग भी सर्वत्र घूम नहीं पाते थे, उनको भी विघ्न बाधा उपस्थित कर दिया जाता था, इसलिए श्री जी कहते सब सुखी होना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। सुखे खेले चरे चुगे करा, सब सुख से साधु भी सुख से विचरण करें, साधु मतलब सज्जन समुदाय, केवल भेषधारी साधु नहीं, सारे सज्जन दुनिया के सज्जन शांति से चले फिरे, सुखपूर्वक रहें, और पशु पक्षी भी चरें और चुगे शांतिपूर्वक, करार मतलब शांतिपूर्वक आहार ग्रहण करें, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, परमात्मा ने जीने के लिए उनको भी बनाया, उनकी भी सृष्टि परमात्मा ने की है, तो सब में शांति हो, सर्वत्र शांति शांति का विस्तार हो, ऐसी भावना श्री जी महाराज रखते हैं। जो आज की चौपाई में हम लोगों ने श्रवण किया, और आज का भी हमारा समय यही पूर्ण होते आता है, हम रोज चौपाई तो सुनते ही हैं और इस प्रसंग को किरंतन के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, कलकत्ता निवासी शिव भगवान गुप्ता और कमलेश गुप्ता, उन्होंने मंगलधाम में, जुगल जोड़ी ने मंगलधाम में भंडारे की सेवा अर्पित की है, और उनको भी बधाई, सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ आप सब लोग चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, चौहटे चौहटे थे कार, पशु पंखी साधु कोई न दुखी, सुखे खेले चरे चुगे करार, सुखे खेले चरे चुगे करार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।